हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो यार काफ़ी लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि मैंने जो फीस है सबमिट कर दी है और हमारी जो ब्रांच है वो कैसे पता चले, एक तो पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि हमारी जो क्लास है वो कब से स्टार्ट होगी, कैसे होंगी। तो यार मैंने इन दोनों टॉपिक पर डिटेल पर वीडियो बना दी है, उसके बाद भी आप लोग वो वीडियो नहीं देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, फिर भी कोई बात नहीं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो आपकी यार जो फीस आपने सबमिट कर दी है पर आपको ब्रांच नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए यार आपको वेट करना पड़ेगा और एक लिस्ट फिर से आएगी। और नहीं तो अगर लिस्ट नहीं आएगी तो आपने जब फीस सबमिट की है तो उसमें लिखा होता है कि आपने जो फीस सबमिट की है वो किस कोर्स के लिए सबमिट की है, आपने उसको पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसे आंख बंद करके आपने फीस सबमिट कर दी। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपने जो फीस सबमिट की है कौन से कोर्स में की है और किस ब्रांच के लिए की, बिल्कुल क्लियरिटी से लिखा होता है। जब आप उसको डाउनलोड करोगे फीस स्लिप को, उसमें सब कुछ लिखा होता है, पर आपने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। अब आपकी ब्रांच आपको नहीं पता तो यार क्या लिस्ट भी आती है, उसमें भी आपको क्लियरिटी दी जाती है कि आपकी जो ब्रांच है आपने जो फ़ीस सबमिट की है इसके लिए आपने जो फ़ीस अपनी सबमिट की है। और दूसरा जो बोले कि क्लास कैसे स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार सबसे पहले तो यार मेडिकल होता है दयालबाग में यूनिवर्सिटी में, उसके बाद क्लास स्टार्टेड होती है। अब उसके बाद मुझे ये पता है कि डिप्लोमा ग्रुप ए वालों का जो क्लास है और बीबॉक वालों का, सॉरी डिप्लोमा ग्रुप ए और बीबॉक वाले और एमबॉक वालों का जो मेडिकल होता है, बीएससी बीए वालों का मुझे नहीं पता कि उनका मेडिकल होता है या नहीं होता है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो जहाँ तक उनका मैं बता रहा हूँ, 80% मेडिकल सभी का होता है, पर मैं बिल्कुल श्योर बता नहीं रहा हूँ। तो मेडिकल होने के बाद ही आपको क्लास के लिए बुलाया जाएगा। और मैं भी अभी यार वहाँ पे नहीं हूँ, कॉलेज के यानी कि आगरा नहीं हूँ, बाहर हूँ, अपने घर पे हूँ, तो मैं इंक्वायरी नहीं कर पा रहा। और आप लोग ऐसा नहीं कि मेरे भरोसे बैठो फिर बाद में आप मुझको गाली दो कि आपने तो बोला था, तो यार घर पे मत बैठो, कॉलेज जाओगे तो आपको ज़्यादा वहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी, आपको पता चलेगा कि भाई क्या सीन है, क्लास कैसे मिलेगी, कैसे चालू होगी, कैसे फीस सबमिट हो गया, ब्रांच कैसे पता चलेगा, सब कुछ होगा। हालाँकि मैं बता भी चुका हूँ कि यही मेथड और ऐसे ही पता चलेगा, ब्रांच आपको ऐसे ही पता चलेगा, और जो क्लास स्टार्ट होंगी वो क्लास ऐसे ही स्टार्ट होंगी। और मैं यहाँ तक ही कह रहा हूँ कि क्लास है जो 8 से 9-10 तारीख के बीच में, सब अभी तो वैसे सब लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, पर जिनकी क्लास स्टार्ट नहीं है उनकी क्लास मुझे लगता है मेडिकल वगैरह 8 से 9 के बीच में करवा देंगे, क्योंकि यार अभी 15 अगस्त आने वाला है तो वहाँ पर परेड होता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, और परेड के लिए न्यू बच्चे लिए जाते हैं जो कि एनसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप लोग कंटिन्यू नहीं करोगे तो आप पार्टिसिपेटर का नाम कैसे नाम लेंगे, वो लोग कैसे लड़के लेंगे यदि आप लोग ज्वाइन ही नहीं करोगे। तो मुझे लगता है कि यार 7 से 8 के बीच में सबका क्लियर हो जाना है। और अब यार बिल्कुल वहम में मत रहो कि कोई थर्ड लिस्ट आने वाली है, फोर्थ लिस्ट आने वाली है, जो कुछ था अब यही है, अब कुछ नहीं होने वाला है, तो बस अब तसल्ली ख़त्म करो। जो कि मैंने एक बताया था कि वॉक इंटरव्यू की लिंक निकलती है, वो निकलती है इतना मुझे पता है, मैंने भी इंक्वायरी की, वो कब निकलेगी ये मुझे नहीं पता, बस आपको वेबसाइट वेट करते रहना अगर आप चाहते हो कि हो जाए बस। और बता दिया आपको कि भाई आपकी क्लास इस मेथड से स्टार्ट होंगे और फीस आपकी सबमिट कर दिए तो ब्रांच ऐसे पता होगी। तो और भी यदि कोई डाउट है आप तो बताओ, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और यार आप लोग क्या कमेंट करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, तो मेरा भी थोड़ा लगता है, आप लोग यार जैसे कमेंट करते हो, सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मैं भी बहुत मोटिवेट रहता हूँ कि हाँ यार आप लोगों ने कमेंट किया, मैं एक बंदे के लिए भी वीडियो बना देता हूँ, पर जब सपोर्ट नहीं मिलता तो मेरा भी मन करता है यार कॉल कर लो, कॉल पर ही बता दूंगा मैं। तो ठीक है यार, और कोई डाउट है तो यार बताओ, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो कॉल पर आंसर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट करो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।